हे गाइस, वेलकम टू सिविल टेक। मैं विनीत कुमार। तो आज हम लोग अप्लाइड मैकेनिक्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। अप्लाइड मैकेनिक्स का ये टॉपिक फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि ये हमारा टॉपिक कौन सा है। तो ये हमारा टॉपिक है मशीन। टॉपिक है मशीन। तो आप लोग सब जानते हैं कि मशीनें क्या होती है। सबसे पहले इसका बेसिक इंट्रोडक्शन जान लेते हैं कि मशीन एक ऐसी युक्ति या डिवाइस होती है जिसकी सहायता से हम किसी भारी बोझ या वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से ले जा सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में कहें, हम कन्वेयर बेल्ट हुआ या लिफ्टिंग मशीन हो गई, ये जैक वगैरह हो गया। तो जैक से हम लोग क्या देखते हैं, कोई भारी वाहन होता है या कोई भारी वस्तु होती है, उसको आसानी से, मतलब बहुत ही कम बल लगाकर या बहुत ही कम फोर्स लगाकर, उसको हम आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो इस प्रकार की युक्ति को या इस प्रकार की डिवाइस को हम लोग मशीन कहते हैं। तो अब हम लोग सिलेबस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि हमारा सिलेबस क्या है। जो हमारा सिलेबस है, मतलब इस टॉपिक में जो हम लोगों को पढ़ना है, वो सबसे पहला पॉइंट हमारा है डिफिनीशन ऑफ मशीन। मशीन की हमें डिफिनीशन पढ़नी है। फिर उनकी क्या मैकेनिकल एडवांटेज होते हैं, वेलोसिटी रेशियो क्या होता है, इनपुट एंड आउटपुट, मैकेनिकल एफिशिएंसी एंड रिलेशन बिटवीन देम ऑफ आइडियल एंड एक्चुअल मशीन, लॉ ऑफ मशीन, ठीक, थ्री सिस्टम ऑफ फोर्सेस, पुलीज, डिफरेंशियल व्हील एंड एक्सेल, सिंपल व्हील एंड एक्सेल, स्क्रू जैक, डिफरेंशियल जैक, हाइड्रोलिक जैक, इन सब टॉपिक के बारे में हमें वन बाई वन करके डिस्कस करना है। तो अभी मैंने आपको मशीन का एक बेसिक से इंट्रोडक्शन दिया कि मशीन हमारी होती क्या है। तो मशीन क्या होती है, एक कोई ऐसी युक्ति या डिवाइस जिसकी सहायता से हम भारी बोझ को या भारी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान पर बहुत ही कम बल लगाकर, मतलब बहुत ही कम बल लगाकर बहुत ही आसानी से उसे स्थानांतरित कर सकते हैं या एक जगह से दूसरी जगह पर ले जा सकते हैं। इस प्रकार की युक्ति को, इस प्रकार की डिवाइस को हम लोग क्या बोलते हैं, मशीन बोलते हैं। तो अब मैं सबसे पहले कुछ इसके बेसिक टर्म हैं जिनके बारे में डिस्कस करूँगा। लेकिन उसके पहले यदि आप लोगों ने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने यूट्यूब चैनल पर जाइए, उस पर सर्च आइकॉन पे सिविल टेक बाय विनीत सर सर्च कीजिए और वहाँ से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि मेरे जो भी नए नए वीडियोज आएंगे उनकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहेंगे। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन हो गया जो मशीन का, जो कि मैंने आप लोगों को बताया हुआ था पहले कि मशीन क्या होती है। तो ये उसका बेसिक सा इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। फिर इसके बाद नेक्स्ट है हमारा उनके कुछ बेसिक टर्म हैं। ये बेसिक टर्म हमारे लिए जानना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है कि मशीन क्या होती है। देखिए, इसमें यही लिखा हुआ है, मशीन एक ऐसी युक्ति या डिवाइस है जिससे हम कम बल या इफॉर्ट या प्रयास, इफॉर्ट को हम लोग प्रयास ही बोलते हैं, कम बल लगाकर अपेक्षाकृत अधिक भार उठा सकते हैं या बल को सुविधाजनक दिशा में लगा सकते हैं या गति प्राप्त करा सकते हैं। इस प्रकार की युक्ति या डिवाइस को हम लोग मशीन कहते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा रेजिस्टेंस या प्रतिरोध। मशीन का प्रयोग सदैव किसी बोझ को उठाने या प्रतिरोध पर नियंत्रण करने के लिए करते हैं। इस प्रतिरोध को, चाहे वो जिस रूप में हो, अब प्रतिरोध हमारा किस किस रूप में हो सकता है, वो हो सकता है कि हमारे भार के फॉर्म में हो, मीन्स वेट या लोड या तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, उसे रेजिस्टेंस बोलेंगे। फिर नेक्स्ट है हमारा इफॉर्ट या प्रयास। तो प्रयास क्या होता है कि प्रतिरोध पर नियंत्रण हेतु मशीन पर लगाए गए बल को हम लोग क्या बोलते हैं, इफॉर्ट या प्रयास। प्रयास को कभी कभी आयास ही बोलते हैं, उसे प्रयास या आयास कहते हैं। इसे पी से इंडिकेट करते हैं या पी से प्रदर्शित करते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा इनपुट कार्य। तो इनपुट कार्य से क्या तात्पर्य है बेटा, कि मशीन पर किए गए कार्य को निविष्ट कार्य या इनपुट कार्य कहते हैं। मतलब कि हम लोग मशीन पर जो भी वर्क करते हैं उस वर्क को हम लोग क्या बोलते हैं, इनपुट वर्क बोलते हैं। ठीक, तो जो हमारा इनपुट वर्क होता है उसका फार्मूला होता है कि इनपुट वर्क बराबर पी इंटू डी,
या पे पी हमारा क्या होता है, प्रयास होता है, डी होता है प्रयास द्वारा चली गई दूरी, मतलब हम कितना बल लगा रहे हैं। अब बल लगाने के बाद वो कितनी दूरी वहाँ से विस्थापित हो जा रही है, ठीक, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इनपुट वर्क बोलेंगे। फिर नेक्स्ट हमारा टर्म आता है आउटपुट वर्क। तो आउटपुट वर्क क्या होता है, मशीन द्वारा किए गए वास्तविक कार्य को निर्गत कार्य कहते हैं। मतलब अब मशीन द्वारा जो भी निर्गत कार्य किया जाता है, मशीन द्वारा जो भी कार्य किया जाएगा, उस प्रकार के कार्य को हम लोग क्या बोलेंगे, आउटपुट वर्क बोलेंगे। जैसे मान लीजिए हमने मशीन पे क्या किया, कोई फोर्स लगाया, ठीक, तो फोर्स लगाने के बाद वो कोई ना कोई वेट उठाएगी, ऊपर वेट उठाएगी, ठीक। तो हमने जितना फोर्स लगाया, वो जितना वेट उसने उठाया, उनके मल्टीप्लिकेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, आउटपुट वर्क बोलते हैं। यानी आउटपुट वर्क हमारा क्या होगा, W इंटू डी, जहाँ पर W हमारा क्या हो गया, उठाया गया भार, मतलब जो भी भार मशीन द्वारा उठाया जा रहा है वो हमारा क्या होगा, W होगा। नेक्स्ट भार द्वारा चली गई दूरी को यहाँ डी से इंडिकेट किया है, तो आउटपुट वर्क बराबर हो गया W इंटू डी। फिर हमारा नेक्स्ट आता है यांत्रिक लाभ या बल अनुपात। तो यांत्रिक लाभ बराबर हमारा क्या होता है, किसी मशीन का यांत्रिक लाभ मशीन द्वारा उठाए गए भार W तथा मशीन पर लगाए गए प्रयास P के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, यांत्रिक लाभ कहते हैं। तो यानी MA बराबर W अपान P, ठीक। तो यहाँ से हमारा क्या हो गया कि MA बराबर, यानी मैकेनिकल एडवांटेज बराबर W अपान P। यहाँ पे हमारा W क्या है, W है जो भी वेट हमें उठाना है, ठीक। नेक्स्ट क्या है हमारा P, यानी कितना हम लोग उसमें प्रयास लगा रहे हैं, ठीक, उसको हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे, उसका मैकेनिकल एडवांटेज या यांत्रिक लाभ बोलेंगे। फिर नेक्स्ट है हमारा वेलोसिटी रेशियो, ये वेग अनुपात। तो वेग अनुपात क्या होता है, वेग अनुपात बराबर होता है हमारा कि प्रयास द्वारा चली गई दूरी तथा भार द्वारा चली गई दूरी के अनुपात को हम लोग प्रयास बोल, मतलब वेग अनुपात बोलते हैं। तो वेग अनुपात VR बराबर कैपिटल डी डिवाइड बाई स्मॉल डी। कैपिटल डी यहाँ पे क्या है, प्रयास द्वारा चली गई दूरी है, और स्मॉल डी यहाँ पे क्या है, भार द्वारा चली गई दूरी है। यानी कि वेलोसिटी रेशियो इक्वल टू कैपिटल डी अपॉन डी, ये हमारा क्या हो गया, वेग अनुपात हो गया। फिर नेक्स्ट यहाँ पे टर्म आता है हमारा इफिशियंसी। अब इफिशियंसी का मतलब क्या है कि हम लोगों ने उससे कार्य कराने के लिए, मतलब कि इफिशियंसी बराबर हमारा होता है कि आउटपुट वर्क बटे इनपुट वर्क, ठीक। ये निर्गत कार्य तथा निविष्ट कार्य के अनुपात को हम लोग मशीन की दक्षता या इफिशियंसी कहते हैं, इसे ईटा से इंडिकेट करते हैं, ठीक। तो इसका जो हमारा इंडिकेशन साइन होता है, इससे हम प्रदर्शित करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ईटा बोलते हैं, ठीक है, इसको हम लोग ईटा बोलते हैं। और ईटा बराबर जो हमारा फॉर्मूला होता है, ये होता है आउटपुट वर्क बटे इनपुट वर्क। तो ये हमारा क्या हो गया, ये इफिशियंसी हो गया। फिर नेक्स्ट यहाँ पे आता है हमारा आइडल मशीन। आइडल मशीन मतलब आदर्श मशीन। अब आइडल मशीन क्या होती है, एक ऐसी मशीन, ठीक, जिसकी इफिशियंसी क्या हो, बिल्कुल 100% हो। मतलब यदि हम उस मशीन से कार्य करने के लिए जितना फोर्स लगा रहे हैं, ठीक, जितना फोर्स लगाएं उतने का ही वो वर्क कर दे, ठीक, इस प्रकार की ऐसी मशीन को हम लोग क्या बोलते हैं, आदर्श मशीन बोलते हैं। यानी एक ऐसी मशीन जिसकी इफिशियंसी या जिसकी दक्षता 100% होती है, उस प्रकार की मशीन को हम लोग आइडल मशीन बोलते हैं। फिर वास्तविक मशीन आता है यहाँ पे। वास्तविक मशीन क्या होता है, अब देखिए जनरली कि जैसा कि हम जानते हैं कि विश्व में जो भी मशीन होती हैं, ठीक, या इस टाइम पे जो भी मशीन है, प्रैक्टिकली रूप से देखा जाए तो कोई भी मशीन आदर्श मशीन नहीं होती है। क्यों, क्योंकि हम उससे वर्क कराने के लिए उसमें जितना फोर्स लगाते हैं, तो कुछ ना कुछ उसका फोर्स या कुछ ना कुछ एनर्जी क्या होती है, ड्यू टू फ्रिक्शन या किसी न किसी रूप में वहाँ से लॉस हो जाती है, ठीक। तो जब एनर्जी वो लॉस हो जाएगी, तो वो मशीन हमारी कौन सी होंगी, एनर्जी लॉस होने के बाद वो मशीन हमारी वास्तविक मशीन कहलाएंगी, ठीक है। क्योंकि यदि देखा जाए तो प्रैक्टिकली रूप में आदर्श मशीन, दैट्स नॉट इम्पॉसिबल। तो जो भी मशीन है इस टाइम पे, इन सभी मशीनों को हम लोग क्या बोलते हैं, वास्तविक मशीन बोलते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा आता है घर्षण में नष्ट हुआ प्रयास। जो घर्षण द्वारा नष्ट हुआ प्रयास होता है, वो होता है हमारा क्या है कि घर्षण में नष्ट हुआ प्रयास बराबर W अपॉन वेलोसिटी रेशियो। ये हमारा आदर्श आयास होता है, आदर्श आयास बराबर W अपॉन वेलोसिटी रेशियो। तो घर्षण में नष्ट हुआ प्रयास बराबर हमारा क्या हो गया, वास्तविक आयास माइनस आदर्श आयास। अब नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं जो हमारा लॉ ऑफ मशीन है, यानी मशीन का नियम। तो मशीन का नियम क्या होता है हमारा, तो देखो भार उठाने वाली मशीनों ने विभिन्न प्रकार के भारों को उठाने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के प्रयास लगाने पड़ते हैं। मतलब यदि हम किसी मशीन से भार उठाने की कोशिश कर रहे हैं, तो भार उठाने के लिए हमें क्या करना होगा, मतलब कि प्रत्येक अलग अलग वेट, जैसे मान लो कि हमें 1 किलोग्राम का कोई वेट उठाना है, ठीक, तो उसके लिए हम सपोज दैट 1 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं उस पर,
तो अब यदि वहीं पे वेट हमारा बढ़ करके 1 किलोग्राम की जगह 2 किलोग्राम हो गया, तो उसके लिए हम कितना लगाएंगे? तो मतलब प्रत्येक के लिए एक ऐसे मतलब जितना हम ग्राफ लगाएंगे, मतलब जितना हम लोड उसमें लगाएंगे, जितने लोड को उठाने के लिए जितना उसमें भार लगा रहे हैं या जितनी एनर्जी अपनी वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें एक रिलेशन स्थापित किया गया है, एक रिलेशन बनाया गया है, वो रिलेशन है हमारा पी बराबर एम डब्ल्यू प्लस सी। यहाँ पे ये हमारा ग्राफ है, ठीक है, यहाँ पे देखिए ये इस डायरेक्शन में जो हमारा एक्स डायरेक्शन है, यानी इस डायरेक्शन में ये हमारा क्या होता है, जो हम जितना भार उठा रहे हैं, ये जितना हम यहाँ पे इफोर्ट लगा रहे हैं, यानी ये हमारा प्रयास हो गया पी, और ये हमारा क्या हो गया डब्ल्यू हो गया, ठीक। अब ये जो हमारा ये ग्राफ बन गया, तो मतलब सबसे पहले हम जितना भार लगाया उसके अकॉर्डिंग, आप देखो यहाँ पे हमारा ये ग्राफ इंडिकेट हो गया है, ठीक। इस प्रकार के ग्राफ को हम लोग क्या बोलते हैं, इसका हम मशीनों का नियम बोलते हैं। तो इनका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है पी बराबर एम डब्ल्यू प्लस सी, पी बराबर एम डब्ल्यू प्लस सी। तो यहाँ पे हमारा पी क्या होता है, भार को उठाने के लिए लगाया गया प्रयास, मतलब हम उसमें जितना इफोर्ट लगा रहे हैं वो इफोर्ट हमारा क्या हो गया, वो इफोर्ट हमारा हो गया पी, ठीक है, वो इफोर्ट हमारा हो गया पी। और इसके बाद एम हमारा क्या होता है, एम एक कॉफिशेंट होता है, इसके बाद डब्ल्यू, डब्ल्यू यहाँ पर होता है जो भी वेट उससे उठा रहे हैं वो वेट हमारा क्या होगा, डब्ल्यू होगा, नेक्स्ट हमारा सी, यहाँ पर फिर कॉफिशेंट होता है। अब कुछ क्वेश्चन है, उन क्वेश्चन के बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं कि अब हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, उस फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्वेश्चन क्या क्या पूछा हुआ है, एक उत्थापक यंत्र, ठीक, एक कोई लिफ्टिंग मशीन है जिस पे 7800 न्यूटन भार को 150 न्यूटन आयास उठा लेता है, ठीक, जो हमारा लोड है यानी W है, W की वैल्यू कितनी है 7800, और जो इफॉर्ट है, इफॉर्ट यानी P बराबर हमारा कितना हो गया 150 न्यूटन। तो इसका यांत्रिक लाभ कितना होगा, मतलब हमसे उसने पूछ क्या रहा है, मैकेनिकल एडवांटेज पूछ रहा है। तो उसने सबसे पहले हमारा दिया हुआ है W, W की वैल्यू कितनी दे दी है 7800, ठीक, पी की वैल्यू उसने कितनी दे दी है 150 न्यूटन। तो अब हमसे पूछ क्या रहा है, सबसे पहले उसने पूछा है मैकेनिकल एडवांटेज, ठीक, फिर इसके बाद सेकंड नंबर देखिए, उसने पूछा हुआ है कि इसका यांत्रिक लाभ क्या होगा, यदि मशीन की दक्षता यानी इफिशेंसी उसने दे दी 52%, यदि मशीन की दक्षता 52% है तो इसका वेलोसिटी रेशियो कितना होगा, यानी उसने बोला आप यहाँ पे इसकी वेलोसिटी रेशियो कितना होगा, वेग अनुपात क्या होगा। तो चलिए हम सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं जो हमारा मैकेनिकल एडवांटेज होता है, यानी एमए। तो एमए बराबर, जैसा कि हम जानते हैं कि एमए बराबर हमारा फॉर्मूला होता है एमए बराबर डब्ल्यू अपॉन पी, ठीक। डब्ल्यू क्या है, यानी जितना वेट हमें उठाना है, वेट हमारा कितना था 7800, ठीक। फिर इसके बाद पी हमारा क्या होता है, इफॉर्ट यानी प्रयास, यानी 150 न्यूटन। अब जब हम इन दोनों को डिवाइड कर लेंगे, डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो हमारा क्या होगा, मैकेनिकल एडवांटेज होगा। यदि मैं यहाँ से इसको डिवाइड करता हूँ तो मेरी जो वैल्यू आती है, यानी आंसर आएगा मैकेनिकल एडवांटेज की वैल्यू, वो आएगी 52। ये हमारा क्या हो गया, मैकेनिकल एडवांटेज हो गया, ठीक। इस प्रकार से मैंने यहाँ पे मैकेनिकल एडवांटेज अपना निकाल लिया। फिर नेक्स्ट हमारा यहाँ पे टर्म जो इस क्वेश्चन में पूछ रहा था, वो पूछ रहा था वेलोसिटी रेशियो कितना होता है, यानी वेग अनुपात कितना होगा, वो भी किस कंडीशन पे, जब उसकी इफिशियंसी 52% हो। तो यहाँ पे हम लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा हुआ है कि मैकेनिकल एडवांटेज बराबर, यानी एम ए बराबर ईटा इंटू वी आर, ठीक। तो ईटा क्या होता है, यहाँ पे इफिशियंसी होती है, मैकेनिकल एडवांटेज यानी यांत्रिक लाभ, जो कि हम सबसे पहले फाइंड कर चुके हैं। अब हमारा बचा क्या है, यहाँ पे वेलोसिटी रेशियो बचा हुआ, जो चीज़ हमें फाइंड करना है। तो अब तो इससे हमारा फार्मूला क्या बन गया कि वेलोसिटी रेशियो बराबर मैकेनिकल एडवांटेज बटे ईटा, ठीक। मैकेनिकल एडवांटेज कितना आया था, 52 आया था। इफिशियंसी के क्वेश्चन में कितना दे रखा हुआ है, ये दे रखा हुआ 52%। जब परसेंटेज दिया हुआ है, परसेंटेज से जब कोई चीज़ हम चेंज करते हैं उसमें क्या करते हैं, मतलब उसे डेसिमल में चेंज करते हैं, 100 से डिवाइड करते हैं, यानी इसे हम यहाँ पे 100 से डिवाइड करेंगे। तो अब ये कैंसिल होने के बाद कितना आ गया, 1 आ गया, ठीक। अब इस 100 के ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 1 × 100 बराबर कितना आ गया, 100। तो यानी इसकी जो वेलोसिटी रेशियो आई, यानी वी आर की वैल्यू आई, वो वी आर की वैल्यू कितनी आ गई, वी आर बराबर 100 आ गया, ठीक। ये हाफ पार्ट हमारा क्वेश्चन का सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट इसी क्वेश्चन में पूछ रहा है, यदि इसी मशीन में 250 न्यूटन का आयास 13,500 न्यूटन भार को उठाता है, यानी उस क्वेश्चन में यहाँ पे देखना डेटा क्या चेंज कर दिया कि इफॉर्ड की वैल्यू यानी पी की वैल्यू उसने क्या दे दी है यहाँ पे 250 न्यूटन, ठीक, और वेट कितना दे दिया है, यानी भार ये दे दिया है 13,500 न्यूटन। तो अब पूछ रहा है इसकी इफिशियंसी क्या होगी, तो इसकी इफिशियंसी क्या होगी, तो ठीक है, हमें कुछ नहीं करने की जरूरत है, सिर्फ वो हमसे पूछ रहा है इफिशियंसी पूछ रहा है। तो हम लोग यहाँ पे जानते हैं कि जो हमारा इफिशियंसी का फार्मूला होता है, वो इफिशियंसी यानी ईटा बराबर होता है मैकेनिकल एडवांटेज
डिवाइड बाई वेलोसिटी रेशियो, जो कि अभी हम लोगों ने ये रिलेशनशिप पढ़ी हुई थी। रिलेशनशिप हम लोगों ने क्या पढ़ा हुआ था कि एम ए बराबर ईटा इंटू वी आर, ठीक। तो इसी फार्मूले से हमने क्या किया, ये फार्मूला बना लिया कि ईटा बराबर हमारा क्या हो जाएगा, एम ए अपान वी आर हो जाएगा। तो अब हमसे पूछ कह रहा है, वो इफिशेंसी पूछ रहा है, वो जितना न्यूटन का फोर्स है वहाँ पे उसके अकॉर्डिंग हमारी क्या आएगी इफिशेंसी। ये तो हमारा ईटा इक्वल टू कितना का मैकेनिकल एडवांटेज यानी यांत्रिक लाभ, यांत्रिक लाभ हम लोगों ने निकाला हुआ था यहाँ पे। अब जो नया वाला फोर्स है, ठीक, यानी इस 250 न्यूटन, ठीक, और इतने वेट के लिए हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, सबसे पहले मैकेनिकल एडवांटेज निकाल लेंगे। तो मैकेनिकल एडवांटेज हमारा कितना हो जाएगा, एम ए बराबर डब्ल्यू अपान पी, ठीक। डब्ल्यू कितना हो गया यहाँ पे, 13,500 डिवाइडेड बाई 250। तो इससे यहाँ पे जो इसकी वैल्यू आएगी वो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 54, ठीक। तो अब देखना जो हमारी सेकंड कंडीशन थी, ये कंडीशन कौन सी, हमारी सेकंड कंडीशन है, ठीक। फर्स्ट कंडीशन पे क्वेश्चन हमारा यहाँ तक कंप्लीट हो गया था, इसके बाद ये हमारा सेकंड कंडीशन है, सेकंड कंडीशन हमारी यहाँ से स्टार्ट होती है। तो अब सेकंड कंडीशन पे हम लोगों ने यहाँ पे मैकेनिकल एडवांटेज अपना निकाल लिया, जो मैकेनिकल एडवांटेज हमारा निकल के आया यानी एम ए बराबर हमारा निकल के आया 54, ठीक। वेलोसिटी रेशियो, वेलोसिटी रेशियो हमारा क्या हो जाएगा, जो हमने फर्स्ट वाले क्वेश्चन के लिए निकाला हुआ था, लेकिन नहीं, वेलोसिटी रेशियो हमने फर्स्ट वाले क्वेश्चन के लिए निकाला हुआ था वो कितना निकल के आया था, 100, ठीक। अब तो ईटा यहां से निकाल लेंगे, ईटा बराबर हमारा कितना हो जाएगा, ईटा बराबर यहां फार्मूला बन जाता है यहां पे एम ए बराबर एम ए अपॉन वी आर। जब एम ए अपॉन वी आर बन जाएगा तो एम ए की वैल्यू हमने कितनी निकाली, 54, ठीक। एम ए की वैल्यू हमने यहाँ पे क्या निकाली है, 54 निकाली है, और वी आर की वैल्यू कितनी है, 100। तो इसको जब सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, यानी ईटा इक्वल टू आ जाएगा हमारा, यानी ईटा इक्वल टू कितना आ गया, 0.54, यानी इफिशियंसी कितनी होगी, 0.54। अब इसको हम क्या करेंगे, परसेंटेज में चेंज कर देंगे। तो जब परसेंटेज में चेंज करेंगे तो 100 को मल्टीप्लाई करवा देंगे, 100 का हमने मल्टीप्लाई करवाया यानी कितना आ गया, 54%। ये हमारी आ गई इसी इफिशियंसी आ गई। तो ये क्वेश्चन क्या था कि दो पार्ट में डिवाइड था। तो इसको सबसे पहले एक फर्स्ट कंडीशन में करेंगे, फर्स्ट कंडीशन के लिए हम लोग इसका हाफ पार्ट सॉल्व कर लेंगे, यानी जो हमारा हाफ पार्ट होगा सिर्फ इधर तक होगा। उससे हमने सबसे पहले एम ए निकाल लिया, फिर ईटा की हेल्प से हमने वी आर निकाल लिया, ये हमारी थी फर्स्ट कंडीशन। फिर सेकेंड कंडीशन में क्या है कि जब वो लोड और इफॉल्ट को दोनों को चेंज कर दे रहा, तो उसकी हेल्प से हम लोग यहाँ पे एम ए की वैल्यू निकाल लेंगे। एम ए निकालने के बाद वेलोसिटी रेशियो हमारा जो कहते हो सेम रहेगा सेकंड कंडीशन पे भी, ठीक। हमें सिर्फ निकालना क्या है, यहाँ पे ईटा निकालना है, और ईटा बराबर हमने यहाँ फॉर्मूला लगा दिया एम ए अपान वी आर। इससे हमारा सेकंड कंडीशन के लिए हमारा क्या निकल आया, आंसर निकल आया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, एक कोई लिफ्टिंग मशीन है, लिफ्टिंग मशीन में 225 न्यूटन का भार उठाने के लिए 60 न्यूटन का आयास लगाता है, तो और 330 न्यूटन का भार उठाने के लिए 77 न्यूटन का आयास लगता है, यदि यंत्र का वेगानुपात मीन्स उस मशीन की वेगानुपात जो वेलोसिटी रेशियो है वो दिया हुआ है 20, तो यंत्र की दक्षता दोनों भारों पर निकालिए। मतलब हमें क्या करना है कि उस मशीन की इफिशेंसी निकालना है। तो सबसे पहले हमें निकालना क्या है, इफिशियंसी निकालना है, ठीक है। हमारा क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इतने न्यूटन का भार है, उस न्यूटन को भार उठाने के लिए हमारा, यानी ये हमारा क्या हो गया, इतने न्यूटन का भार है, यानी डब्ल्यू की वैल्यू हमारी ये हो गई, ये हमारा क्या हो गया यहाँ पे पी हो गया, इतना उसमें प्रयास लगा रहे हैं, ये पी हो गया, ठीक। तो फिर इसके बाद सेकंड कंडीशन यहाँ पे दे रखी हुई है कि 330 न्यूटन का भार, यानी अब डब्ल्यू की वैल्यू उसने यहाँ पे दे दी और पी की वैल्यू उसने यहाँ पे ये दे दी, ठीक। दोनों कंडीशन में हम लोग इसकी इफिशियंसी निकालना है। तो इफिशियंसी का फार्मूला जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि हमारा फार्मूला क्या होता है कि ईटा बराबर हम लोगों ने यहाँ फार्मूला क्या पढ़ा हुआ है, ईटा इक्वल टू एम ए अपॉन वी आर, यानी ईटा इक्वल टू एम ए अपॉन वी आर, ठीक। तो एम ए, तो एम ए के लिए देखो यहाँ पे, और एम ए बराबर हम जानते हैं कि एम ए बराबर होता है हमारा डब्ल्यू अपॉन पी, यानी लोड अपॉन इफॉर्ट, और जो वी आर बराबर हमारा फॉर्मूला होता है, तो वी आर हमारा क्या होता है, तो वी आर हम यहाँ से निकाल लेंगे, ठीक। यानी वी आर का फॉर्मूला होता है भार द्वारा चली गई दूरी बटे आयास द्वारा चली गई दूरी, यानी कैपिटल डी बटे स्मॉल डी, ठीक। अब
हमें दक्षता निकालनी है यांत्रिक लाभ डब्ल्यू पान पी वेग अनुपात वेलोसिटी रेशियो। यहाँ से हमें डब्ल्यू की वैल्यू मालूम है, डब्ल्यू की वैल्यू कितनी हो गई 225, पी 60 हो गया। क्वेश्चन में उसने वेलोसिटी रेशियो देखिए यहाँ पे दे रखा हुआ है, ये दे रखा हुआ 20 न्यूटन। वेलोसिटी रेशियो कितना दे रखा हुआ, 20 दे रखा हुआ है। तो जब इस कंडीशन यहाँ पे सॉल्व करेंगे यानी इफिशियंसी के यहाँ पे उसमें फॉर्मूला लगाया, इफिशियंसी इक्वल टू यांत्रिक लाभ बटे वेग अनुपात, फिर यहाँ पे इफिशियंसी इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन पी इंटू वी आर। डब्ल्यू की वैल्यू उसने रख दी यहाँ पे 225, पी की वैल्यू रख दी 60 और वेग अनुपात यहाँ पर रख दिया उसने 20। सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद ये हमारा कितना इफिशियंसी आ गई 18.75%। अब इस इफिशियंसी को जो नेक्स्ट कंडीशन पे वो वेट दे रहा है और इफॉर्ट दे रहा है, यानी ये वाला वेट 330 न्यूटन का और इफॉर्ट हमारा दिया हुआ है 77 न्यूटन के लिए, उस कंडीशन पे अब हम क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना। अब फिर इस कंडीशन के लिए भी इफिशियंसी निकालनी है, तो इस कंडीशन के लिए इफिशियंसी कैसे निकलेगी, तो देखिए हमारा जो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट तो सेम ही है दोनों के लिए क्योंकि फार्मूला सेम था, तो यहां भी सेम वैसे हो जाएगा कि इफिशियंसी बराबर एम ए अपॉन वी आर, इफिशियंसी इज इक्वल टू एम ए अपॉन वी आर, ठीक। और एम ए बराबर हमारा होता है डब्ल्यू अपॉन पी, एम ए बराबर हमारा यहां पे क्या होता है डब्ल्यू अपॉन पी, यानी ईटे इक्वल टू एम ए अपॉन वी आर, एम ए बराबर हो गया यहाँ पे डब्ल्यू अपॉन पी वी आर हो गया, ठीक। डब्ल्यू अपॉन पी, डब्ल्यू हमारा कितना दिया हुआ है 330, पी हमारा कितना हो गया 77, वी आर की वैल्यू कितनी होगी 20। इस कंडीशन पे अब हमारी क्या निकल आएगी इफिशियंसी, ये कंडीशन थी कंडीशन नंबर सेकंड, कंडीशन नंबर फर्स्ट हम लोग ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। तो इसके अकॉर्डिंग जो यहाँ पे वैल्यू निकल के आएगी वो वैल्यू हमारी निकल के आ रही है 21.428%, ठीक। ये सेकंड कंडीशन के लिए हमने यहाँ पे इफिशियंसी निकाल लिया। तो इस प्रकार से हम दोनों कंडीशन के लिए यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे कि फर्स्ट कंडीशन पे कैसे हमने पहले अपना विलास्ट मैकेनिकल एडवांटेज निकाल लेंगे, यानी यांत्रिक लाभ निकाल लेंगे, फिर यांत्रिक लाभ को उसके वेग अनुपात से डिवाइड कर देंगे। तो फर्स्ट कंडीशन पे हमारी इफिशियंसी निकल आएगी, फिर इसके बाद सेकंड कंडीशन पे भी हम लोग इफिशियंसी निकाल लेंगे। अब इस प्रकार से ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाता है। तो सो थैंक यू गाइज, यदि मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो सो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को भी शेयर।